दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुलाव बनाने जा रही हूँ। मैं जो सब्जियाँ बनाती हूँ उनमें मसाले बहुत कम होते हैं, जो पेट के लिए बहुत ही सही रहते हैं। देखिए, मैंने एक कटोरी ये चावल लिए हैं और एक कटोरी मटर लिए और दो आलू लिए, थोड़ी सी गोभी लिए, दो हरी मिर्च लिए, एक प्याज लिया और ये मेरे मसाले हैं। एक चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। वेजिटेबल इसमें डाल दूंगी मैं। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी डालूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। ये एक चम्मच मैंने मिर्च लिए, दो चम्मच मैं धनिया लूंगी और एक चम्मच मैं नमक लूंगी। हल्दी मैंने पहले ऐड कर दी है इसमें। ये देखिए, मेरा मसाला ये पककर तैयार हो गया है, वेजिटेबल और मसाले। अब मैं इनमें दो गिलास पानी डाल दूंगी। इन सबको उबलने के लिए रख दूंगी मैं। ये पानी मेरा उबल गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। अब पकने के लिए रख दूंगी। अपनी चावल बनाते टाइम बीच के अंदर आपको चम्मच ऐड नहीं करना है। मेरे ये चावल बनकर, पुलाव बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहा है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसे बना है मेरा पुलाव। थैंक यू।